बच्चे अब हमारी बात है वर्गमूल और घनमूल की किसी भी संख्या का स्क्वायर या क्यूब करना, ठीक है। उस चीज को हम लोग सीखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज क्या निकालना है, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, मतलब फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर्स। बेटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है जब किसी भी एक नंबर को, यानी कि मान लीजिए कोई भी एक नंबर है m को m के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो m स्क्वायर बन जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं m का वर्ग, या बोल सकते हैं इसे स्क्वायर ऑफ m। बात समझ रहे हैं, जब किसी एक नंबर को उसी नंबर के साथ गुणा कर दिया जाए तो वो वर्ग कहलाता है। मान के चलिए मैं आपसे बोलूं 5 × 5, तो बेटा ये 25 है, तो मैं इस 25 को क्या बोल सकता हूं, ये हो सकता है 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का वर्ग है 25, ठीक है। तो 5 × 5 मतलब 5 का स्क्वायर 25, ये मेरे लिए क्या बन गया, वर्ग। इस तरीके से हम लोग वर्ग को निकालते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर क्या होता है, जब एक नंबर को उसी नंबर के साथ गुणा कर दिया जाए तो वो m का स्क्वायर बनता है। हम इस तरीके से संख्याओं को निकाल पाते हैं। बेटा इसके लिए जो जरूरी है, पहले मैं आपको देखिए, सिर्फ अगर आप आज 9 तक के स्क्वायर याद कर लेते हैं तो 99 तक के स्क्वायर किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 1 का स्क्वायर बेटा 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 = 4, 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर मतलब 100, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये वो स्क्वायर हैं जो आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट कम से कम कोशिश कीजिए कि आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहां से मेरे को ये स्क्वायर बनते हैं, और इन स्क्वायर्स को बनाकर अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आप ये चीज आती है तो बेटा आपको, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम ये फॉर्मूला लिख चुके हैं बेटा। तो इस फॉर्मूले में आपको करना क्या है, जरा उस चीज पे ध्यान दीजिए। मैं अगर आपसे बात करूं, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको निकालना है 32 का स्क्वायर, यानी कि 32 का स्क्वायर, तो बेटा मैं इसे क्या बोल सकता हूं, मैं इसे बोल सकता हूं 30 का स्क्वायर, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर बन सकता है। तो इस तरीके से मैं इसे बना सकता हूं 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले खोलना होगा, ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर हो गया 900, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो गया आपके लिए प्लस 4, प्लस 2ab यानी कि 2ab, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। आप इस चीज को जोड़ेंगे तो आपके लिए आंसर मिल जाएगा, तो आपके लिए आंसर बन जाएगा, आप 1024 बोल सकते हैं कि वो मेरे लिए स्क्वायर है। एक तो तरीका ये होता है बच्चों, लेकिन इसी के तरीके से हम छोटा सा एक तरीका और आप लोगों को सिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि 1 का स्क्वायर बराबर 1, 6 का स्क्वायर बराबर 36, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 9 का स्क्वायर बराबर 81 बनता है। इतनी बात समझ में आ रही है, हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए अब स्क्वायर निकालने हैं और स्क्वायर किस तरीके से बनाए जा सकते हैं अब हम इस पे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों इन चीज का आप ध्यान रखिएगा कि हमारे को सिर्फ स्क्वायर है और इन स्क्वायर से अब हमारे फॉर्मूला लगाना है बेटा। अब अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो हम इसे मिटा के कुछ तरीके सिखा देते हैं, जिससे आप लोग 1 से लेकर 99 तक के 1 to 99 तक के स्क्वायर्स को आप लोग 5 या 10 सेकंड में निकाल पाएंगे। किस तरीके से, स्क्वायर्स ऑफ 1 to 99।
बेटा ठीक से जरा समझ लीजिए किस तरीके से हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूँ, कोई भी एक नंबर, मान के चलिए मैंने लिखा 54 का स्क्वायर बता दीजिए क्या होता है। बेटा इसके लिए आप देखिए आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, इधर लिखना है क्या बी स्क्वायर, और बीच में करना है क्या 2ab। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मेरे लिए ये ए है और मेरे लिए ये बी है, आप समझ रहे हैं। तो अगर मैं 5 को मानता हूँ ए, 4 को मानता हूँ बी, तो आप इसे लगा दीजिए और इन्हें आपस में जोड़ दीजिए। सिर्फ इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को बना सकते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखा है 5, तो लिखा है ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, इधर लिख दीजिए 25। आगे देखिए इधर लिखा है 4 का स्क्वायर, तो इधर लिख दीजिए 16, 4 का स्क्वायर 16। नीचे लिखा है 2ab यानी कि 5 गुणा 4 गुणा 2, 5 चौक 20 धूनी 40। इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद इन्हें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। अब जोड़ने का तरीका थोड़ा देख लीजिए किस तरीके से जोड़ना है। बेटा जैसे ये 16 लिखा है तो 16 का पूरा 16 नहीं जोड़ा जाएगा, हमें इकाई का अंक साथ बस इकाई का अंक लेना है। देखिए 16 का 6 यहाँ पर ले लीजिए और इस एक को इधर लाके कैरी कर दीजिए। बेटा इस एक को इधर कैरी कर दिया तो ये हो गया कितना, इसमें मैंने एक जोड़ दिया तो ये बन गया मेरे लिए 41। तो 41 का एक रख लीजिए और फिर इस 4 को इधर लाके कैरी कर दीजिए। 41 बन गया, एक जोड़ के 40, एक 41, 41 का 4 इधर लाके कैरी कर दीजिए, तो 25 और 4 ये हो गया 29। तो मेरे लिए जो आंसर है 54 का स्क्वायर है 2916। समझ रहे हैं, देखिए बार बार इस चीज को देखिए कि क्या किया है, किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम आपके सामने बहुत सारे इस चीज के एग्जाम्पल रखने वाले हैं। बेटा एक और मैं स्क्वायर लेता हूं, आपको पूछा जाए 76 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो बेटा 7 का स्क्वायर हो गया 49, 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब क्या करना है, इनकी गुणा आपस में करनी है, 7 छिंग 42, 7 गुणा 6 42, 42 इंटू 2 हो गया 84, 7 गुणा 6 गुणा 2 बराबर ये। ठीक है, अब इसकी गुणा की है मैंने, यहां पर लिख लिया इसका 6, 3 कर दिया इधर कैरी, तो बेटा 3 कैरी होकर ये कितना बन गया 87, 87 का 7 इधर ले लीजिएगा, 7 आ गया यहाँ पर, और 8 को इधर कैरी कर दीजिए, 8 इधर कैरी हो गया, तो ये हो गया 49 और 8 57। तो बेटा मैं इसका आंसर बोल सकता हूँ 5776। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों एक और एग्जाम्पल लिया 93, 93 का स्क्वायर निकाल दीजिए। बेटा 9 का स्क्वायर हो गया 81, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 3 27 और 27 दूनी 54 हो गया ये। बेटा तो यहाँ पर तो 9 है तो कैरी कुछ नहीं होगा क्योंकि एक ही डिजिट है। अब 54 है तो 54 का 4 ले लीजिए, 5 को इधर कैरी कर दीजिए, 5 इसमें कैरी हो गया तो 81 और 5 हो गया मेरे लिए 86। मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया यानी कि इसका स्क्वायर होगा 8649। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, सिर्फ क्या करना है, इधर इसका स्क्वायर, इधर दूसरी संख्या आपकी जो डिजिट है इसका स्क्वायर, और बीच में इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 9 × 3 × 2 हो गया 54। ये डिजिट यहाँ पर कैरी होता तो सामने, फिर उसे जोड़ के जो आता सिंगल डिजिट यहाँ पर 4 और 5 कैरी आगे, तो मेरे लिए प्रश्न का उत्तर बन गया है। ठीक है, एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। देखिए बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको समझा दिए हैं, एक और उदाहरण यहाँ पर ले लीजिए, कोई भी एक उदाहरण, जैसे हम यहाँ पर लिखें अभी 84 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बेटा 64, 4 का स्क्वायर 16, 8 गुणा 4 32, 32 गुणा 2 64 लिख लिया। अब इसका 6 यहाँ पर एक कैरी कर दिया तो बन गया 65, 65 का 5 यहाँ पर 6 कैरी कर दीजिए यहाँ पर तो बन गया 70। मेरे लिए प्रश्न का उत्तर हो गया 84 का स्क्वायर मतलब 7056। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का 1 से लेकर 99 तक ही नहीं बच्चों आगे का स्क्वायर भी मैं निकाल सकता हूँ किस तरीके से।
आप तीन डिजिट के स्क्वायर भी बच्चों निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना किस तरीके से है, मैं एक एग्जांपल फिर से लिया। देखिए, अगर मेरे को निकालना है 123 का स्क्वायर, अब बच्चों इस चीज को समझिए करना क्या है। आपको जो पहले वाली दो डिजिट है इसे एक डिजिट मान के सॉल्व करना है, जो आपके लिए जैसे लिखा है 123, तो बेटा इस 123 में इस 12 को अलग रख लीजिए और इस 3 को अलग रख लीजिए, और आप सवाल को उसी तरीके से कर दीजिए जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं। इस 12 का स्क्वायर होता है 144, ये आपको याद करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर होता है 9। अब ये 12 पूरा एक माना है मैंने, तो 12 गुणा 3 हो गया 36, 36 गुणा 2 हो गया 72। बेटा तो 72 हो गया। अब 9 का 9, यहां पर कोई कैरी नहीं है तो इधर नहीं आएगा। 2 का 2, 7 को इधर लाके कैरी कर दीजिए, 7 मैंने 144 में जोड़ दिया तो हो गया 151। तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर हो गया 515129। समझ रहे हैं आप इस चीज को? इसी तरीके से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए एक और अंतिम उदाहरण लेते हैं कि वर्ग किस तरीके से निकाल सकते हैं। बेटा मैं अब और बड़ा ले रहा हूं, 158 का स्क्वायर। देखिए आप इसमें टाइम लगाएंगे 158 गुणा 158 करने में, लेकिन मैं इस 15 को एक मान के और इस 8 को अलग मान के, 15 का स्क्वायर मुझे याद है 225 है, बेटा 8 का स्क्वायर 64 है। अब 15 अट्ठे 120, 120 गुणा 2 हो गया 240। ठीक है, इसका सिर्फ 4 यहाँ पर ले लीजिए, बेटा 6 यहाँ पे कैरी कर दिया तो ये 246 हो गया। 46 का 6 यहाँ पर ले लीजिए, इस 24 को यहाँ पर कैरी कर दीजिए, 24 में यहाँ पे जोड़ूंगा तो 5 और 4 हो गया 9, 2 और 2 हो गया 4, और यहाँ पे आ गया ये। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर बोल सकता हूँ 24964 होगा। ठीक है, 246 बना 6 कैरी करके, तो 6 इधर उतार लिया, इस 24 को इधर लाके जोड़ दिया 225 में। तो इस तरीके से आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब वर्गमूल तो निकालना, देखिए वर्ग तो निकालना मेरे को आ गया बच्चों, लेकिन वर्गमूल है, देखिए दो चीजें हैं, फर्क है। वर्ग निकालना, एक होता है वर्ग, बेटा वर्ग का मतलब होता है एम इंटू एम, लेकिन लिखा है वर्गमूल, तो बेटा वर्गमूल का मतलब होता है रूट एम। ठीक है, तो दोनों चीजों में फर्क है, यानी कि इसे तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, पर इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। हमें यह चीज पता है कि 5 गुणा 5 25 होता है। ठीक है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि 5 के स्क्वायर बराबर 25 होता है। बेटा लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है, तो वो लिखा जाता है इस तरीके से कि 25 किसका स्क्वायर है, तो बेटा मैं इसे बोल सकता हूँ रूट 25 5 के स्क्वायर के बराबर है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे, हम उसकी ट्रिक की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों करना क्या है आप समझ लीजिए। मेरे को कोई भी वर्गमूल दे दिया जाए, कोई भी वर्गमूल अगर आपको दिया जाए, तो उसके लिए आपको पहले ये चीज देखना होगा कि मैं आपको फिर से लिख दूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। बेटा इन चीजों में जरा ध्यान दीजिए कि आपके लिए यूनिट प्लेस पर क्या रखा हुआ है। यूनिट प्लेस का मतलब इकाई के अंक पर क्या लिखा है। बेटा इकाई के अंक पर देखिए, यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0। आपको इन इकाई के अंक का प्रयोग करके वर्गमूल ट्रिक से निकाल लेना है। देखिए किस तरीके से, देखिए मैं पहले आपके सामने उदाहरण के तौर पर मैं 58 का स्क्वायर निकाल कर देता हूँ। कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 5 अट्ठे 40 दूनी 80, तो मेरे लिए बन गया बेटा ये 4, 6 इधर जाके जुड़ गया तो 86 का 6, 8 इधर जाके जुड़ गया तो 33। तो मैं बोल सकता हूं क्या, 58 का स्क्वायर बराबर है 33 64 के। लेकिन आपसे पूछा जाए बताइए 33 64 कितने के बराबर है, किसका रूट है, तो 58 कैसे निकालेंगे।
बेटा इस 33-64 को निकालने के लिए आपको क्या ट्रिक अपनानी है, जरा उस पर ध्यान अब दे लीजिए। देखिए आपको अंतिम दो अंक को एक साइड कर देना है और बचे हुए जितने भी अंक हों, इसके आगे दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी अंक हों, उन्हें अलग कर दीजिए। बेटा यहाँ पे लिखा है 64, ठीक है। अब यहाँ पर 64 लिखा है तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो मुझे पता चल गया ये 8 का है, लेकिन ये 64 ना होकर 54, 62, 63 कुछ भी हो सकता था। तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए इकाई के अंक पर, बेटा सिर्फ इकाई के अंक पर ध्यान दीजिए। इकाई का अंक है 4। जरा आप अपनी टेबल में देखिए इकाई का अंक 4 किस किस कंडीशन में आता है। देखिए इकाई का अंक 4 एक तो यहाँ पर आता है कि जब वो 2 का स्क्वायर हो, और इकाई का अंक 4 जब आता है जब वो 8 का स्क्वायर हो। सिर्फ दो कंडीशन में आ रहा है, या तो इकाई का अंक 4 कब आएगा, या तो इकाई का अंक 2 हो या इकाई का अंक 4 हो। तो बेटा यहां से एक चीज तो मैं समझ जाऊं कि इकाई का अंक या तो 8 होगा या 2 होगा, इकाई का अंक या तो 8 होगा या 2 होगा। अब आगे बढ़िए, बेटा यहां पर लिखा है 33। 33 से छोटा कंप्लीट स्क्वायर देखिए कौन सा है। बेटा 33 से बड़ा है 36, ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ छोटे स्क्वायर की। तो मैं देखूंगा 5 का स्क्वायर है 25, जबकि 6 का स्क्वायर 36 इससे ज्यादा है। तो मैं 5 का स्क्वायर देखिए, ये इससे छोटा है, तो मैं बोल सकता हूँ या तो ये 58 है या ये 52 है। 5 इसलिए लगाया है क्योंकि इससे छोटा जो कंप्लीट स्क्वायर है वो 5 का है। तो अब बेटा मेरे लिए दो ऑप्शन तो मिल गए कि या तो ये 58 का स्क्वायर है या फिर ये 52 का स्क्वायर है, राइट। अब 58 का है या 52 का है ये कैसे पता चलेगा, आप समझ रहे हैं बच्चों। अब मेरे लिए ये एक चीज समझने वाली है कि ये 58 का है या 52 का है। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस संख्या को इसकी अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, मतलब 5 को गुणा कर दीजिए 6 के साथ, तो देख लीजिए क्या आ गया, 30 आ गया। बेटा तो 30 आ गया, जो कि 30 क्या है, 33 से छोटा है। अगर ये 33 से छोटा है तो मैं कह सकता हूँ ये वाला उत्तर सही होगा। अगर ये 33 से ज्यादा आ जाता तो ये वाला उत्तर सही होता। अगर ये संख्या देखिए, ये वाली संख्या इससे छोटी होगी तो बड़ी वाला उत्तर होगा, और ये संख्या अगर इससे बड़ी होगी तो छोटा वाला इसका आंसर होगा। तो मैं कह सकता हूँ इस 58 का जो आंसर है वो इसका 33-64 का जो वर्गमूल है वो 58 है, ठीक है। एक बार फिर से और समझ लेते हैं क्या है तरीका। हम एक और निकाल के देखते हैं बच्चे आपके लिए, 76 का पहले मैं स्क्वायर निकालता हूँ। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर ये हो गया 7×6=42, 84 हो गया, तो ये आप सीख ही चुके हैं। 6 का 6 आ गया, 3 यहाँ पे जुड़ गया, 87 का 7 आ गया, 8 यहाँ पे जोड़ दीजिए तो 57 आ जाएगा। अब मुझे पता है 57 जो है वो क्या है, 76 के स्क्वायर के बराबर है। अब आपसे क्वेश्चन है कि 57/76 किसका रूट है। तो बेटा इसमें बस ये लास्ट के दो अलग और ये बाकी के अलग मैंने रख लिए। 76 में यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, तो बेटा देखिए इकाई का अंक या तो 4 में आता है यहाँ पर, या इकाई का अंक एक यहाँ पे आता है 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 6, तो 6 या तो इस 4 के स्क्वायर में आता है या 6 के स्क्वायर में आता है। इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, इकाई का अंक समझ गए 4 होगा या 6 होगा। अब 57 से छोटा कंप्लीट स्क्वायर देखिए बच्चे, 57 से छोटा कौन सा है, 64 तो ज्यादा हो गया, तो 57 से छोटा है 7 का स्क्वायर, यानी कि या तो ये 74 का स्क्वायर है या ये 76 का स्क्वायर है, या तो ये 74 का स्क्वायर है या 76 का। पता कैसे करें बेटा, इसका मल्टीप्लाई अगली संख्या से करिए, 7×8 ये तो आ रहा है 56, और इसका स्क्वायर कीजिए 7×8 तो ये भी आ रहा है 56, तो एक ही करे रखिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस 56 की तुलना कीजिए किससे, 57 से। बेटा ये अगेन छोटा है, देखिए जब ये छोटा होगा तो उत्तर कौन सा होगा, बड़ा वाला। ये 56 इस 57 से छोटा है, इसलिए मेरे लिए आंसर होगा 76। समझ रहे हैं, अगर इसकी संख्या की गुणा अगली संख्या से की जाए और वो इस वाले से छोटी होगी तो बड़ा वाला आंसर, और बड़ी होगी तो छोटा वाला आंसर होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, इसी तरीके से आपको प्रश्न बनाने हैं प्यारे बच्चों। अब आगे देखें एक और चीज, देखिए दो एग्जाम्पल तो हो गए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है 89 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9×8=72, 144।
तो एक आ गया, आठ इधर जुड़ गया, 152, 52 का दो आ गया, 15 इधर जुड़ जाएगा। अब 15 इसमें जुड़ गया तो बेटा 15 इसमें जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 7 और 1 6 और 1 7, तो मेरे लिए ये क्या है 7921, यानी कि 89 का स्क्वायर होता है 7921। समझ रहे हैं? तो अब मेरे को निकालना है ये किसका रूट है, 7921 किसका रूट है। बेटा यहाँ पर 21 को अलग कर लीजिए, 79 को अलग कर लीजिए, एक देखिए इकाई का अंक कहाँ पे आता है, एक इकाई का अंक या तो एक में आता है या एक इकाई का अंक 9 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पर लिख दिया 9। अब 79 से छोटा, बेटा 79 से छोटा देखिए ये तो नहीं है, 79 से छोटा 8 है, तो या तो ये 81 है या ये 89 का स्क्वायर है। अब करना क्या है, 8 का मल्टीप्लाई अगली संख्या के साथ, 8 गुणा 9 कर दिया तो कितना आ गया 72। अब की बात देखिए 72 क्या हुआ है, ये 72 छोटा है, अगर ये 72 छोटा है तो इसका मतलब आंसर मेरा ये होगा, 72 79 से छोटा है तो आंसर बड़ा वाला होगा, और बड़ा होगा तो आंसर छोटा वाला होगा। इस तरीके से आप लोग वर्गमूल और घनमूल को निकाल सकते हैं। उम्मीद है इतनी सी चीजें आप लोगों के अब समझ में आ रही होंगी, तो इसी तरीके से आपको वर्गमूल घनमूल निकालने हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल इसी तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन अब बेटा हम लोग जरा बेसिक की बात कर लेते हैं, ये ट्रिक है और बेसिक क्या कहता है। बेटा मेरे पास है 7921 और इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा, और फैक्टर करने के लिए आपको इस संख्या को देखना पड़ेगा किससे कटेगा, 9 7 16, 16 और 2 18 और 1 19, ये किससे कटेगा, 89 है। अब देखिए 89 कैसी नंबर है, 89 एक अभाज्य संख्या है तो वो सिर्फ 89 से ही कटेगा, तो बेटा 89 से मैं इसे काटूंगा तो 89 टाइम जाएगा, और 89 से इसे काटूंगा तो ये 1 टाइम जाएगा, तो मेरे लिए ये पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये पेयर यानी कि 89 का बनेगा। और कोई उदाहरण लेते हैं बच्चे, देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं 144 का रूट निकाल दीजिए, तो बेटा 144 का रूट निकालने के लिए 144 के गुणनखंड कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से काट दीजिए 36, फिर 2 से काट दीजिए बेटा 18, फिर 2 से काट दीजिए 9, अब बेटा फिर 3 से काट दीजिए 3, और फिर 3 से काट दीजिए 1, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, बेटा पेयर बना दीजिए, एक पेयर ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो इसकी जगह पर एक रख लीजिए 2, इसकी जगह पर एक रख लीजिए 2, और इसकी जगह पर एक रख लीजिए 3, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, मैं बोल सकता हूँ ये 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें पेयर बनाने पड़ते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो यही गुणनखंड करके आपको 2-2 का पेयर बनाना है, उनका मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको वर्गमूल मिल जाएगा। लेकिन मेरे लिए इजी तरीका है, क्योंकि 2 कहाँ कहाँ आता है बेटा, 4, 4 आता है या तो 2 के स्क्वायर में या फिर 8 के स्क्वायर में। अब दूसरी चीज, 14 से छोटा कौन सा है, 14 से छोटा है मेरे लिए 3 का स्क्वायर या किसका स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हम लोग इसका पेयर एक जोड़ा पीछे के 2 अंक लेके इसका अंक छोड़ देंगे, तो ये 4 जो आता है ये 2 में आता है या 4 में आता है, और 1 का स्क्वायर सिर्फ या तो 1 ही होता है, तो या तो ये 11 का स्क्वायर या तो ये 12 का स्क्वायर है या 14 का, तो 1 की गुणा अगले के साथ कर दीजिए, 1 × 2 ये ज्यादा हो गया बेटा, जब ये ज्यादा हो जाए तो आंसर होगा छोटा वाला, ये ज्यादा हो गया 1 × 2 किससे, 1 से, इस 1 से ज्यादा हो गया तो आंसर बनेगा मेरे लिए 12। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा आपको, ट्रिक लगानी पड़ेगी, और आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। बेटा ये तरीके होता है आपका वर्ग या वर्गमूल निकालने का, आप इस चीज को बार बार देखिए, बार बार समझिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों।